शाम में चेक कर रहा था ना, तो ये क्या है, ये है बीमार। बीमार कैसे है कि भाई ऐसे बीमार है कि इसका जो वजन, ये देखें वैसे आपके सामने, ओए दोस्तों नया कबूतर आया हुआ है, क्या हम इसको पकड़े? ये थका हुआ मुझे लग रहा है, मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ, केज की तरफ। ओए दोस्तों, तो मार मार के गंजा कर देगी इसको हम। ओ भैया सामने कर रहे हो यार, हेल करो थोड़ा सा, नहीं करो आप पता है ये काबली के जो उत्तरवादी बच्चे होते हैं, इनके इनकी जो सेटिंग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ये साफ सुथरे हो जाते हैं। तो क्या होगा, क्या इसको जो है ना, मैं ये जो हमारा गिफ्ट आइटम था ना, इस वाले में डाल देता हूँ। ये देखें भाई, चलो आ जाओ। नहीं, ये कबूतर पकड़ा है, और भाई अगर ये कबूतर कोई जो वीडियो देखने वाला कोई देख रहा है, और अगर ये किसी कबूतर है तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करके ये बिल्कुल लेके जा सकता है। किसी भी गली चक्कर में माशाल्लाह से इसकी दुम निकला, आपने देखा था पहले इसकी दुम नहीं थी। तो भाई ये दोनों बच्चे हैं और दोनों बड़े होंगे तो पता चल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत 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 ज़्यादा खैरियत से होंगे, खुश हो रहे होंगे, अपने भाई के दुआ में जरूर याद कर रहे होंगे। तो भाई दोस्तों, हमने कल आपको क्या कहते हैं अपने मिनी जू की अपडेट दोबारा से बताना स्टार्ट की थी, क्योंकि काफ़ी गैप आया था, तबियत खराब थी, अभी भी है यार, लेकिन आपने कल देखा होगा मैंने कैमरा भी काफ़ी हिल रहा था, उसकी वजह यही थी यार। खैर, तो आज मैं जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको शहजादा हमारी एरी शहजादा साहब हमारे वो रहे। अगर शहजादा का अच्छा है ना, ये आपने देखा था कितना छोटा था, माशाल्लाह कितना क्यूट हो गया, लेकिन यार एक प्रॉब्लम है, मैंने इसको अभी कल शाम में चेक करा था ना, तो ये क्या है, ये है बीमार। बीमार कैसे है कि भाई ऐसे बीमार है कि इसका जो वजन, ये देखें वैसे तो ये फिर भी एक्टिव लग रहा है आपको, लेकिन क्या है कि इसका वजन बहुत कम है, मतलब ये इतना बड़ा साइज है इसका, उस हवाले से जो इसका वजन है ना वो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको हम बीमार कह रहे हैं। और आप इसकी देख भी रहोगे, इसके जो सांस लेने का स्टाइल है ना, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या करना है दोस्तों, अब इसकी मेडिकेशन और इसकी केयर वगैरह लाजमी करनी है ताकि ये बचे, वरना इसकी जो पोजिशन दिख रही है ना वो बचने वाली है नहीं। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई ये बच जाए, क्योंकि शहजादी का ये फर्स्ट बच्चा निकल रहा है, उसका कलर जो है ना वो भी थोड़ा सा अलग सा निकल रहा है, मतलब मादी पे कलर निकल रहा है और बाल निकल रहे हैं, मादी के हालांकि हमारी बाल्डलेस है। देखते हैं क्या होता है, और भाई जैसे ही थोड़ी सी तबीयत सेट होती है हम केस साफ करेंगे। बाकी कहाँ है शहजादी हमारे, ये देखें शहजादी हमारे, ये शहजादा साहब का लुक आपके सामने। ओए दोस्तों नया कबूतर आया हुआ है, क्या हम इसको पकड़े? कबूतर पड़े यार, कबूतर आया मेरे ख्याल से ना, मैं इसको जाता हूँ बाहर, अगर कोशिश करता हूँ, अगर ये आ गया वो वाले केज में, अगर चला गया तो कोशिश तो करेंगे दोस्तों। आयो, अब वो बात लगे, ये उड़ जाए, ये देखें अभी तक तो ये बैठा हुआ है, प्यासा है मेरे ख्याल से। कोशिश करते हैं कि भाई इसको पकड़ें, क्या मतलब बच जाएगा, वो बहुत प्यासा है भाई, बहुत ज़्यादा प्यासा है। आ जाओ भाई, ये वाला केज में खोल के खड़ा रहूँगा, अगर इसमें जाना हो चले जाओ। उसकी वजह ये है क्योंकि अभी इसके अंदर हमारे जो पिजन्स हैं ना वो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी खुले हुए नहीं है, तो उसको ट्राई कर लेते हैं इसको, कि भाई अगर ये आ रहा है तो लग तो रहा है कि मुझे, क्योंकि ये थका हुआ मुझे लग रहा है, मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ केज की तरफ। ओए दोस्तों, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, कह सकते हैं कि आज हमने कबूतर पकड़ा दोस्तों, क्या बात है, इतना इजी। जब मैं आया था ना तो ये वहाँ बैठा हुआ था, तो वहाँ मतलब उस दीवार पे बैठा हुआ था, तो मैंने थोड़ा दाना डाल दिया था। देखिए हमारा ये छोटा वाला कैद भी कितना गंदा हो रहा है केज, आज जब हम इसमें आए तो आपको इसमें रिव्यू भी देंगे, और हमने जो कबूतर पकड़ा है वो भी आपको दिखाते हैं भाई दोस्तों। देखें ये कबूतर हमने पकड़ा है, इसको अभी हाथ में ही पकड़ते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया दो। ये देखें दोस्तों, हमने ये कबूतर पकड़ा है, और भाई अगर ये कबूतर कोई जो वीडियो देखने वाला कोई देख रहा है, और अगर ये किसी कबूतर है तो वो हमसे कॉन्टेक्ट करके ये बिल्कुल लेके जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने किसी और कबूतर रखना नहीं है। लेकिन बड़ी खुशी हुई यार दोस्तों, फर्स्ट टाइम जो है ना, फर्स्ट टाइम हमने अपने केज में कबूतर पकड़ा यार, फर्स्ट टाइम। ये है कि ये बहुत मासूम है, और मुझे ना ये बच्चा लग रहा है, अभी ये पट्ठा है, और इसके जो पर वगैरह है ना देख सकते हैं आपके, अभी आने स्टार्ट हो रहे हैं। इसको मैं इन लोगों के साथ छोड़ू, आप मेरे हमारे फिर साथ साथ जो है ना, जब इस वाले पोर्शन में आया था हम आपको इस वाले पोर्शन का सारा व्यू भी देंगे, साथ साथ इसको व्हाइट वाले के पोर्शन में छोड़ता हूँ मैं, ताकि एक थोड़ा सा इसका, ये देखें भाई दोस्तों, ये आज का शिकार कह लें या कुछ भी कह लें, शिकार तो कर गया है दोस्तों, हमको ऐसे शिकार तो नहीं है, लेकिन ये बहुत आसानी में, जब मैं आया था सामने बैठा हुआ तो मुझे लगा था भूखा, आपने देखा इसने कितना सारा पानी पिया है, पानी पीने के बाद जब मैंने गेट खोला तो इसके अंदर ये आ भी गया। इसका मतलब ये है कि भाई अंदर आने का मतलब ये है कि ये पला हुआ कबूतर है। इसके पाँव में देखें, इसके पाँव में ना छल्ला भी डला हुआ है, छल्ला भी डालने का मतलब ये है कि किसी का ये है कबूतर। और अगर भाई जिस भाई का है अगर वो कुछ देख रहा है तो आके ले जाए, आज हमने कबूतर पकड़ा जबरदस्त भाई, इसको हमने पकड़ तो लिया, लेकिन अब हमने करना क्या है, देखिए हम, मैं इसको खुले केज में ही रखूंगा, इसको हमने वो वाले बराबर वाले बड़े वाले मिनी जूम है ना उसमें करेंगे क्या, इसको हम किसी पोर्शन में बंद करेंगे, क्योंकि भाई देखिए बाहर की आई भी जो चीज़ होती है ना, बल्कि हम खुले कबूतर है तो उसके साथ ये सब करना जरूरी होता है। बाकी हमारे सारे कबूतरों को आप देख सकते हैं, आज दोबारा से मैं आपको छोटे पोर्शन का इंट्रोडक्शन करा भी दूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं इंटर हुआ इसमें, कल दाना वाना डालने आया था तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी, बहुत अच्छी, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, दो तीन काफ़ी सारी हैं।
एक तो आपने देखा था इन लोगों का जोड़ा लग रहा था, उसका नहीं पता मुझे। बाकी देखेंगे ये शेरू साहब बैठे हैं, शेरू के पीछे शेरू का ये पुराना वाला बच्चा जिसके हमने पर बांधे थे, इसके पर जो है ना वो अभी खुले हैं, लेकिन अब हमने जब अब ये एक दो दिन से कबूतर खोलने का सीन करना है क्योंकि शिक्र है और बाद वाला सीन खत्म हो गया तो हमने हिलाने हैं। ये पुराना वाला बच्चा आ गया, ये शेरू का नया वाला बच्चा आ गया, बच्चे वगैरह बड़ा होना स्टार्ट। एक शेरू का बच्चा ये वाला, ये आपने देखे थे छोटे छोटे से बच्चे थे, बाकी शैतान कबूतर होते हैं बेटा। और मजे की बात ये है कि शेरू साहब आप देख रहे होंगे, अंदाजा कर लेंगे बल्कि दिखे गए कि भाई शैतान कबूतरी और शेरू के ये दो बच्चे जो बिल्कुल छोटे छोटे से हुआ करते थे, देखेंगे छोटे छोटे से थे, और ये माशाल्लाह से देखें आप कितने बड़े बड़े हो गए हैं और इतने प्यारे बच्चे निकले ना, ये मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत क्यूट बच्चे निकले ये, बहुत क्यूट। एक ये आप देखें ना, दोनों बहन भाई का लुक जो है वो डिफरेंट है, ये देखें एक बिल्कुल ब्लैक है और एक जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये साफ होंगे ना, आप पता है ये काबली के जो उत्तरवादी बच्चे होते हैं इनके इनकी जो सेटिंग होती है वो आहिस्ता आहिस्ता करके ये साफ सुथरे हो जाते हैं, तो क्या होगा क्या भाई ये और ये जब अपने पर साफ करेंगे तो ज़बरदस्त है। हालांकि ये जो जैसे ही निकला हुआ है ना अभी ब्लैक कलर का, इस कलर के जो काबली होते हैं ना वो हरे कहलाते हैं, हरे कबूतर कहलाते हैं और नीले कबूतर कहलाते हैं, उनकी जो क्वालिटी है ना बहुत ज़बरदस्त होती है। मैं उनको भी सर्च कर रहा हूँ, अगर हुआ पॉसिबल या जिंदगी में हमारे लाना हुआ तो वो भी लाएंगे। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ ये जो हमने कबूतर पकड़ा है ना, ओए ओए क्या बात है दोस्तों, आज का शिकार है भाई। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जिस भाई का है, अगर कोई भाई ये अगर वीडियो देखता है और उसको उसका कबूतर है तो भाई अपनी पहचान बता के ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी पहचान पट्टा है ना तो उसकी पहचान अपनी होती है, तो भाई बता के ले के जा सकते हैं, सबके लिए ऑफर है। वरना ये है कि जैसे मैंने इसको रखना तो नहीं होगा क्योंकि हमारे मेनू की सेटिंग अलग है, तो देखेंगे या तो इसको फिर नज़ीर भाई को दिएंगे, एक आध दिन अपने पास रखेंगे ताकि अगर जिसका होगा तो ले लें, क्योंकि ये बहुत भूखा था, बहुत प्यासा है, अभी बहुत भूखा भी है ना, कि थोड़ा डर ही है, लेकिन ये कि हमने इसको पकड़ा है तो फिर देखेंगे क्या करना है भाई। जहाँ तक रहे हमारे ये छोटे बच्चों की बात, तो भाई माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने बड़े हो गए हैं, और जब हमने कबूतर अपने खोल लेंगे, आज मैंने कबूतर खोलने का भाई दोस्तों मेरा पूरा इरादा था कि यार आज खोलता हूँ, लेकिन अभी तक तबीयत इस काबिल नहीं है कि मैं इनको खोल पाऊँ, तो मैं तो ये है कि भाई मैंने अभी नहीं खोलना इनको, की वजह ये है कि भाई मुझसे भी इनको थोड़ा सा ज्यादा खोलने का मतलब जो था उसकी केयर करना, और केयर करने के हवाले से मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, मैं देख ये क्या हो रहा है मैं देख रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, देखिए आप इसकी हरकत देखें, ये बच्चे को मार रही है, इसका मतलब ये है कि आप बच्चे को अलग कर देना चाहिए भाई। ये देखिए देखेंगे ओहो, मैं वही बोल रहा हूँ यार, इसके सर के बाल क्यों जा रहे हैं, अब अंदाजा हुआ। अच्छा मुझे आइडिया दो भाई, नहीं करो तभी जाके मैं इसको अलग कर देता हूँ भाई, वरना ये तो मार मार के गंजा कर देगी इसको हम। ओ भैया सामने कर रहे हो यार, हेल करो थोड़ा सा, नहीं करो अभी आके तुम्हें बताता हूँ रुको। चलो भाई वहाँ चलते हैं, और वहाँ जाके ना दोस्तों उसको इस, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से तो मैं इसको ले जाता हूँ बराबर वाले पोजिशन में, इसको बंद करता हूँ, वहाँ दाना डालता हूँ इसको, यहाँ नहीं छोड़ता मैं। तो भाई चलो भाई पकड़ के लेके चलते हैं, आ जाओ बेटा है शरीफ, और ये बच्चा है, ये पट्टा है ना ये, तो ये थोड़ा सा वो है। चलो भाई इसको खोलो, यहाँ से केस खोला हमने और हम अपने बाहर आ गए, यहाँ बैठा हुआ था ये इस दीवार पे ना, इस जगह बैठा हुआ था ये, और हमने इसको पकड़ लिया आज कबूतर पकड़ा है दोस्तों हमने। चलो भाई बड़े वाले मिनी जू में चलते हैं, ये वाला खाली है ना जो छुटकू गेंग का पुराना था, इसी में बंद कर देते हैं। चलो आ जाओ तुम इसमें, आ जाओ। ये देखें भाई, इसको हमने इस वाले केज में छोड़ दिया, इसमें छुटकू गेंग हुआ करता था, अभी इसको मैं दाना पानी वगैरह डालता हूँ। कबूतर पकड़ा है भाई आज हमने। बाकी जहाँ तक इसकी बातें देखें, ये जो है ना ये भाई फुल मार रहा है इसको, तो अभी काम करते हैं, बच्चे को पकड़ते हैं, ऐसे अगर हाथ में आ गया तो ज़्यादा अच्छा है। और ये देखते हैं आपके सामने है, देखिए ये बच्चा, अरे ये हाथ में आ गया मेरे, और आप देख सकते हैं इसकी टेंट जो है ना ठीक ठाक ख़राब कर दी है। अब इसको क्या करते हैं, इसको जो है ना मैं ये जो हमारा गिफ्ट आइटम था ना इस वाले में डाल देता हूँ, ये देखें भाई। चलो आ जाओ, अभी कहीं ऐसा ना हो ये भी मारे, क्योंकि ये भी बड़ा हो गया इससे। और माशाल्लाह से भाई देखें, गिफ्ट आइटम को दिखाने की आपको एक वजह और भी है कि बहुत अच्छी क्वालिटी सेटिंग है, देखें ये गिफ्ट था और ये वो था कि भाई कि पता नहीं पाइड होगा क्या होगा, तो माशाल्लाह से इसने पर झाड़ना स्टार्ट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं वाइट वाइट से पर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये पाइड है, आप देख सकते हैं ये जो है भाई ये पाइड निकल गया है माशाल्लाह से, इसके पर जो है आना मतलब फटना स्टार्ट हो गए, वाइट निकलना स्टार्ट हो गए, तो जब ये बड़ा होगा मतलब अभी कितना है, अभी मेरा तीन चार कली पे आ गया, ये इससे छोटा है थोड़ा, काफ़ी छोटा है ये तो बिल्कुल अभी छोटा होगा, मैं कली चेक नहीं करी, इसकी भी कली चेक करूँ, माशाल्लाह से इसके दुम निकल गए, आपने देखा था पहले इसके दुम नहीं थी, तो भाई ये दोनों बच्चे हैं और दोनों बड़े होंगे तो पता चलेगा क्या सेटिंग है। भाई इसको ठीक ठाक मारा है, ठीक ठाक इसको मारा है, देखते हैं क्या सेटिंग बनती है। इसके बच्चे को मैंने कर दिया बिल्कुल अलग, उसको ठीक ठाक मारा है। तो दोस्तों आप लोग इस पे आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फरखान सिद्दीकी। तो भाई दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत 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 ज्यादा खैरियत में खुश होंगे, अपने भाई के दुआ में जरूर याद करेंगे, और दोस्तों आज तो मैं तो बहुत खुश होंगे, हमने कबूतर पकड़ा यार।
आप लोगों से कल मिलेंगे, जब तक आप मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक 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 के बाद पकड़ा हमने कबूतर, कबूतर कबूतर पकड़ा। चलो भाई चलो 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 चलो।